Hello students, today we are to talk about few literary terms: aside, fable, climax and soliloquy. Now what's an aside? What's an aside? Have you heard it? An aside is a literary and poetic term in a line spoken by an actor to the audience, but not intended for others on the stage. Aside क्या होता है? Aside एक literary और poetic term है। ये किसके लिए use करते हैं? कि भी एक line जो एक actor बोल रहा है audience को, लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं है। जो stage पे दूसरे actors काम कर रहे हैं, वो line वो सेंटेंस उनको एड्रेस नहीं किया हुआ, ठीक है? ऑडियंस को पता चला कि भी इस एक्टर ने क्या बोला, ठीक है? छोटी सी लाइन है ना, जो एक एक्टर ऑडियंस को बोलता है, लेकिन वो लाइन, वो सेंटेंस, वो अटरेंस, बोली हुई लाइन को अपन अटरेंस कहते हैं, वो अटरेंस स्टेज पे उस समय दूसरे जो एक्टर्स हैं उस प्ले में उनके लिए नहीं है, ठीक है? सिर्फ ऑडियंस के लिए। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द करेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द सिचुएशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है? करेक्टर्स के थॉट्स या फीलिंग्स उस सिचुएशन के बारे में, उस एक्टर के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इसके बारे में पता चलता है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डायलॉग, है ना? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डायलॉग। डायलॉग अलग होता है। डायलॉग में एक लाइन एक एक्टर ने बोली, दूसरी दूसरे ने बोली, है ना? तो वो डायलॉग्स होते हैं। तो लिटरेरी टर्म असाइड क्या हुआ? असाइड इज अ लिटरेरी टर्म यूज्ड इन थिएटर एंड ड्रामा। ऑफकोर्स थिएटर में यूज होता है, ड्रामा में यूज होता है। इन विच द डायलॉग्स डिलीवर्ड बाय द करेक्टर्स आर नॉट हर्ड बाय अदर्स परफॉर्मिंग on the stage. So it reveals the speaker's feelings and opinions. So this device gives additional information about the plot and characters. ठीक है? Macbeth speech is delivered as an aside. है ना? Macbeth play है शेक्सपियर का, उसमें जो Macbeth की स्पीच है वो एक aside की तरह से है, क्योंकि उस स्टेज पे और किसी को सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ ऑडियंस को पता चल रहा है कि मैकबेथ क्या कर रहा है। मैकबेथ कमेंट्स कर रहा है कि टाइम नोज मैकबेथ प्लान्स ऑलरेडी, है ना? कि टाइम को पता है कि मैकबेथ की प्लान्स क्या हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो बात है दैट इज कॉल्ड असाइड। नेक्स्ट इज फेबल। नाउ व्हाट इज फेबल? The fable is one of the oldest literary forms. ये बहुत पुरानी literary form है। So a fable is usually short, written in either verse or prose, and conveys a clear moral or message. ठीक है? Fable क्या है? एक छोटी सी कहानी जो या तो poetry की form में लिखी हुई है, जो या तो poetry की form में लिखी हुई है या prose की form में लिखी हुई है, और उस छोटी सी कहानी जो पोइट्री के रूप में सुनाई गई, पोएम के रूप में सुनाई गई, तुम्हें वर्स के फॉर्म में सुनाई गई या प्रोज के फॉर्म में सुनाई गई, उससे एक मोरल मैसेज आपको कन्वे होता है, ठीक है? अर्लीस्ट फेबल स्टिल प्रिजर्व डेट बैक टू सिक्स सेंचुरी ग्रीस से जो फेबल लिखी गई उस समय वो आज भी प्रिजर्व, ठीक है? तो फेबल क्या हुआ? फेबल इज ए ब्रीफ टेल टोल्ड टू टीच ए मोरल। फेबल एक छोटी सी कहानी है जो कि एक मोरल कन्वे करने के लिए। द करेक्टर्स आर मोस्टली एनिमल्स बट समटाइम्स पीपल एंड अदर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो यूज्ड। ज्यादातर करेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं,
लेकिन कभी कभी वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, है ना, और एक मॉरल लेसन उन्होंने प्रीच करना होता है। सो द वर्ड फेबल हैज इट्स रूट्स इन द लेटिन वर्ड फिबुला। फिबुला, फिबुला का मतलब होता है स्टोरी। तो फेबल जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये लेटिन वर्ड फिबुला से लिया गया है जिसका मतलब स्टोरी। तो फेबल्स क्या होती हैं? ह्यूमरस एंड विट्टी स्टोरीज रिटन विद ए मोटिव ऑफ रिवीलिंग ह्यूमन फोलीज। एसोप जो ग्रीक राइटर थे 600 BC के, ही वॉज द मोस्ट फेमस फैबुलिस्ट। पंचतंत्र जो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी, वो भी फेबल है, कलेक्शन ऑफ फेबल्स, इंडियन फेबल्स। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म्स, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स, बैटल ऑफ बुक्स, ऑल दीज कंटेन मेनी एक्सर्प्ट्स ऑफ फेबल्स सैटराइजिंग वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट फेबल। तो फेबल क्या हुआ? एक कहानी, छोटी सी कहानी जो या तो आपने पोएम की फॉर्म में लिखी या आपने किसी प्रोज की फॉर्म में लिखी, है ना, तो उसको हम फेबल कहते हैं। और जिसका मकसद होता है जिसका मतलब होता है एक कोई मोरल मैसेज करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या हुआ? द पॉइंट एट विच द एक्शन इन द स्टोरी रीचेस इट्स इमोशनल पीक, कि वो पॉइंट जहां पे स्टोरी जो है वो इमोशनल पीक पे पहुंच गई, जहां पे भावनात्मक जो स्तर है बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, ये आप क्या कह सकते हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंफ्लिक्ट एंड ड्रामा, है ना, हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंच गए कंफ्लिक्ट के। ठीक है, देखो राइजिंग एक्शन क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के बाद फिर क्या हो गया, फॉलिंग एक्शन, है ना, और बीच में क्या हो गया, मिडल। क्लाइमैक्स में क्या हो गया कि स्टोरी कहां पे पहुंच गई, मिडल में क्या हो गया, स्टोरी क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है। ठीक है, राइजिंग एक्शन से स्टोरी चल रही है और एक्शन कहां हो गया, एक्शन क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जहां पे आप जो घटनाएं हैं उनको एक क्रम से बता रहे हो, उसको आप क्या बोल देते हो, क्लाइमैक्स, जहां पे भावनात्मक आपका स्तर जो है बहुत ऊंचा हो गया, कंफ्लिक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो एक्शन स्टोरी आगे डेवलप हो रही है, लेकिन एक हद तक पहुंच गई, है ना, तो वो हो गया, और वहां से फिर क्लाइमैक्स के बाद स्टोरी कहां आ गई, फॉलिंग एक्शन में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। एग्जांपल देखो क्या बताए, इन द क्लाइमैक्स टू द फिल्म स्टार वॉर्स द एम्पायर्स डेथ स्टार इज रेडी टू Empire Death Star is ready to destroy the Rebel base. Luke Skywalker and Rebel pilots attack the base, and after the death of some Rebel pilots, Skywalker successfully fires his missile into the Death Star's vulnerable spot and destroys the Death Star, saving the Rebel forces. Climax is when Beowulf rips Grendel's arms during the fight. है ना, अगर आपने ये स्टोरीज पढ़ी हुई हैं पूरी तब आपको पता चलेगा कि क्लाइमैक्स कहाँ पहुंचा। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट, है ना। क्लाइमैक्स इज द कंज्यूमेट पॉइंट एट विच द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले इज रिवर्स्ड टू फॉलिंग एक्शन। तो क्लाइमैक्स को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमेट पॉइंट, जहां पे राइजिंग एक्शन जो है अब उल्टा हो गया, वो फॉलिंग एक्शन की तरफ। ठीक है, देखो तुम्हें ये बताएं, हेमलेट, शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा हेमलेट, मैं तुमको उसकी स्टोरी बता के और उसमें बताती हूँ कि क्लाइमेक्स कहाँ था। ठीक है, तो हेमलेट जैसे इंग्लिश कल्चर में क्या है कि किंग हेमलेट है, उसके बेटे को प्रिंस हेमलेट कहेंगे, लाइक दैट, है ना, तो किंग हेमलेट की जो है डेथ हो जाती है, उसका बेटा जो प्रिंस हेमलेट है, जिसको अपन प्ले ही कहते हैं, प्ले जिसको हम हेमलेट ही कहते हैं, मतलब प्ले स्टार्ट होने से पहले ही किंग हेमलेट की डेथ हो गई,
तो प्रिंस हेमलेट जो है, मतलब जो उनका बेटा है जिसको अपन हेमलेट कह रहे हैं, उसको जो घोस्ट है उसके फादर का वो दिखाई देता है एंड ही रिवील्स हिम द सीक्रेट कि उसकी मतलब हेमलेट की मदर ने और उसके भाई ने, किसके भाई ने, प्रिंस हेमलेट के, किंग हेमलेट के भाई ने, है ना, कि जो राजा था उसके भाई ने और उसकी वाइफ ने मिलके उसका मर्डर किया है। किसका? किंग हेमलेट का। तो ही असाइंस हेमलेट द ड्यूटी टू टेक रिवेंज। तो हेमलेट को ड्यूटी लगाता है कि भाई तुमको मेरी मौत का बदला लेना है। अब उस टाइम पे ये रिवेंज लेना एक सेक्रेट ड्यूटी होता था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि भी किंग हेमलेट क्योंकि हीरो दिखाया है तो भाई ही इज प्रोन टू थिंकिंग एंड फीलिंग ऑल द टाइम। उसको बहुत ज्यादा सोचना और महसूस करना उसकी आदत होती थी, आदत है, मतलब ये दिस इज ट्रेजिक फ्लॉ। इतनी सोचने वाली बात नहीं है जितना वो सोचता है, या इतनी फील करने वाली बात नहीं होती जितना फील करता है। तो ही वेस्ट द होल ऑफ हिज टाइम इन थिंकिंग एंड फीलिंग, ठीक है। तो एनीवे उसको लगता है कि अगर मैं घोस्ट की बात से लोगों को कहूंगा कि इसने मेरे अंकल और मेरी मदर के साथ मिलकर मर्डर किया है तो कोई विश्वास नहीं करेगा, और वो भी एक स्कॉलर है तो ऐसे पढ़ा लिखा है, ऐसे कैसे भूतों की बात पे विश्वास करे। फिर वो एक प्ले करवाता है, मर्डर ऑफ गोंसैगो प्ले करवाता है। उस प्ले की स्टोरी वैसी सी होती है जैसे सरकमस्टांसेस उस घोस्ट ने बताए थे उसके लिए कि भी ऐसे उसका मर्डर हुआ। तो उस टाइम पे अब ये टीवी और ये केबल और ये अपने मोबाइल्स होते नहीं थे कि भी इस तरह से लोग अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, तो उस टाइम पे ऐसे प्लेज हुआ करते थे स्टेज पे, तो उसमें सभी इनवाइटेड होते थे। तो जब ये वाली सेम स्टोरी पे प्ले चल रहा है तो हेमलेट का जो अंकल है क्लॉडियस, जिसने मर्डर किया अपने भाई का, तो वो प्ले को बीच में ही छोड़ के चला जाता है। पीछे पीछे उसकी मदर, यानी कि अब तो उसने उससे मैरिज कर ली उसकी मदर से, है ना, तो वो भी चली जाती है। तो वो अब वो बुलाते हैं उसको पीछे, क्योंकि हेमलेट अपनी मदर को बहुत प्यार करता था। तो हेमलेट की जो मदर है, जो अब क्लॉडियस की वाइफ भी है उसके अंकल की, तो वो उसको अपने रूम में बुलाती है। अब यहाँ पर क्लाइमैक्स आया। कहाँ क्लाइमैक्स आया? कि हेमलेट जाता है तो राजा महाराजाओं के कमरे बहुत बड़े बड़े होते हैं, पहले उसका रूम होता है किसका, क्लॉडियस का, तो उसके बाद गर्ट्रूड उसकी मदर का रूम होता है। तो वो क्लॉडियस से देखता है, क्लॉडियस का रूम पहले आता है तो वो जा रहा होता है, तो वो देखता है क्लॉडियस ना प्रेयर कर रहा है। तो अब वहां पे वो अकेला था, अब तो गिल्ट भी कंफर्म हो गया कि भाई क्लॉडियस ने ही उसके फादर का मर्डर किया, तो वो उसको मार सकता था, है ना, लेकिन वो नहीं मारता। उसको लगता है कि ये उसका बिटरेस्ट एनमी है, भाई इस दुष्ट ने उसके फादर का मर्डर किया तो ये उसको तब मारेगा जब वो कुछ गलत काम कर रहा हो, है ना, कि कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, या कुछ और गलत काम इस तरह का कर रहा है, तब मारे। अब जब वो प्रेयर कर रहा है इस टाइम पे अगर वो मारेगा तो हिज सोल विल डायरेक्टली रीच हेवन, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो उसका बिटरेस्ट एनमी है उसकी आत्मा जो है वो स्वर्ग में पहुंचे, तो वो उसको छोड़ देता है और आगे चला जाता है, जबकि ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, है ना। यहाँ पे क्लाइमेक्स हुआ क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर गया हेमलेट, है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स। इसके बाद तो अब क्या हुआ कि क्लॉडियस को अच्छे से पता चल गया कि भी हेमलेट को पता चल गया है अंदर से कि भी मैंने इसके फादर का मर्डर किया है, तो अब ये मेरे को मार के ही रहेगा। और क्लॉडियस को चला गया कि भी वो प्लानिंग कर रहा है। अब वो उसका मन कहाँ लग रहा है ना, उसका मन तो लग नहीं रहा किसमें, उस प्रेयर में। और हेमलेट इतना बड़ा स्कॉलर है, उसको समझ ही नहीं आया कि भी जिस व्यक्ति ने इतना घटिया काम किया हो कि उसकी बीवी के साथ मिलके और उसने अपने भाई का मर्डर किया हो, उसकी प्रार्थना कोई भगवान सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, ऐसे व्यक्ति को तो कहीं पे भी नहीं स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हेमलेट को समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो यहाँ क्लाइमेक्स हुआ। इतने में तो अब क्लॉडियस अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना लेगा, प्लान बना लेगा कि हेमलेट का मर्डर कैसे करना है, है ना, ताकि उसके रास्ते से वो हट जाए। तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स, है ना। जब सिचुएशन के, जब किसी स्टोरी जो है वो अपनी अति तक पहुंच जाए, पीक तक पहुंच जाए, हिंदी में आप कहते हैं अति तक पहुंच जाए, जबकि उसको अपन क्या कहते हैं, पीक पे पहुंच गया, उसका इमोशनल लेवल पीक पे पहुंच गया, है ना। सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्लाइमैक्स। एंड द नेक्स्ट कम सोलिलोक्वी।
सोलिलोक्वी क्या होता है? द एक्ट ऑफ टॉकिंग व्हाइल और एज इफ अलोन, का बात करना जब आपको ऐसे लगता है आप अकेले हो, है ना, जब आप अकेले हो, दैट इज, और द एक्ट ऑफ टॉकिंग, द एक्ट ऑफ टॉकिंग इज कॉल्ड सोलिलोक्वी, है ना, एक्ट ऑफ टॉकिंग, जब आप अकेले हो ऐसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्वी। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इज ए फेमस मैकबेथ सोलिलोक्वी, मैकबेथ प्ले में ये एक सोलिलोक्वी है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ठीक है। तो सोलिलोक्वी इज ए लिटरेरी टर्म इन विच द करेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड व्हेन ऑन द स्टेज। सोलिलोक्वी एक लिटरेरी टर्म है जिसमें करेक्टर अपने विचार बोल रहा है, ऊंचा ऊंचा बोल रहा है जब वो स्टेज पे होता है, शेयरिंग देम विद द ऑडियंस। ऑफ कोर्स वो ऊंचा बोल रहा है लेकिन वो शेयर किससे हो रहे हैं? वो थॉट्स ऑडियंस के साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। द वर्ड सोलिलोक्वी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, सोलो प्लस लोक्वर। ये आपकी जो बुक है यूनिवर्सिटी से प्रेस्क्राइब्ड है, इम्प्रिंट्स, इसमें पीछे ये सभी सोलिलोक्वीज दी हुई हैं। तो ये वन मार्क्स का जैसे क्वेश्चन आता है तो दे मे आस्क यू कि सोलिलोक्वी कैसे, कौन से दो लैटिन वर्ड से बना है, तो यू शुड रीड द होल ऑल द लाइंस माइन्यूटली, बारीकी से सब लाइंस को पढ़ो और ध्यान रखो, है ना। तो सोलिलोक्वी जो है ये दो लैटिन वर्ड से बना है, सोलो और लोक्वर। सोलो का मतलब टू वन सेल्फ, लोक्वर मतलब आई टॉक। तो ड्रामेटिस्ट यूज सोलिलोक्वी टू डेल्व डीप इनटू द रिसेसेस ऑफ द करेक्टर्स माइंड। तो ड्रामेटिस्ट जो है ये सोलिलोक्वी यूज करते हैं ताकि वो करेक्टर के माइंड में गहराई से जा सकें और उसके जो डीप रूटेड थॉट्स हैं वो ऑडियंस को बता सकें। समटाइम्स थ्रू सोलिलोक्वी द स्पीकर एक्सप्रेसेस सच फैक्ट्स व्हिच ही अदरवाइज वुड नॉट विश टू रिवील, है ना। तो कभी कभी सोलिलोक्वी के थ्रू स्पीकर जो है ऐसे फैक्ट्स को बताता है जो वो अदरवाइज नहीं बता सकता था, है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है दैट आल्सो रिवील्स द कैरेक्टर्स इनर थॉट्स, बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट लिसनर। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है कि भी लिसनर प्रेजेंट होता है और सोलिलोक्वी में स्पीकर अलोन होता है और वो अपने आप से बोल रहा है, यानी कि वो अपने इनर थॉट्स ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा होता है। और असाइंड में क्या होता है कि करेक्टर स्टेज पे प्रेजेंट है लेकिन ऐसा सपोज किया जा रहा है कि वो स्पीकर को नहीं सुन रहा है ना। तो ये देखो तीन मिलती जुलती सी टर्म है, सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी में ऊंचा ऊंचा बोल रहा है और अकेला बोल रहा है और ऑडियंस के साथ वो अपने मन की बात शेयर कर रहा है, है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है कि स्पीकर लिसनर्स बोल नहीं रहे लेकिन लिसनर्स प्रेजेंट हैं, ये एहसास होता है कोई ना कोई टर्म, कोई ना कोई जेस्टर्स ऐसे दिखाए होते हैं पोइट ने जिससे पता चल जाता है कि लिसनर्स हैं। और असाइड क्या होता है? असाइड में क्या होता है कि भी करेक्टर्स जो और करेक्टर्स तो नहीं सुन रहे उसने क्या बोला लेकिन ऑडियंस प्रेजेंट, ठीक है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज लिटरेरी टर्म्स विच वी डिस्कस टुडे, सोलिलोक्वी, क्लाइमैक्स, असाइड एंड फेबल। थैंक यू।